नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें कि अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज करने चाहिए जिससे कि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रहने का मतलब अगर आपका बीपी 120 से 80 से ऊपर रहता है तो उसके लिए क्या करें। ऊपर का मतलब है ये है कि आपका बीपी 140 ऊपर वाला 150 या 160 तक रहता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वो आपका कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक तो लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आपको 30 से लेकर के 40 मिनट तक एक्सरसाइज, योगा कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ेगा। डाइट के अंदर हरी सब्जियों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करें। वजन अगर आपका बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा तो उसको कंट्रोल करें। खाने में अगर कंट्रोल करोगे तो वो वजन धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। 5 से 10% आपको वजन कम करना ही पड़ेगा आपकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी फैमिली स्ट्रेस है या कोई भी बिजनेस का स्ट्रेस है, उसको कम करिए। डेली मेडिटेशन करिए थोड़ा, सुबह 20 मिनट 25 मिनट जितना आपसे हो सकता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम उसको स्टॉप करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट शुगर आपके जाके बॉडी को इफेक्ट करती है। उससे भी आपका शुगर लेवल भी हाई होगा और बीपी भी बढ़ेगा। तो एक ये कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्मोकिंग करते हो बहुत ज़्यादा तो स्मोकिंग आपको बंद करना ही पड़ेगा। बंद करने के बाद ही आपकी बॉडी पे कंट्रोल होगा, क्योंकि स्मोकिंग से आपका बीपी भी हाई होता है और हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, अगर कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको बंद करिए। और कोशिश करिए कि मेडिसिन का यूज़ जितना हो उसके कम से कम करिए। और नशा अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आप करते हो तो उसको कम करिए, अगर आपको बीपी में कंट्रोल करना है तो। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत, फ्रेश माइंड रहिए, फ्री माइंड रहिए, टेंशन फ्री रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।